में बिना हमारे संत कहते आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी मृग की नाभि में बसे कस्तूरी वो बन बन फिरे उदासी। माता जी भावुक हो गया। अरे कोई नहीं, अरे मैं तो आपका बेटा ही हूँ, समझ लेना, छोटा बेटा ही हूँ, आपका बेटा जैसा ही हूँ मैं, तो कोई टेंशन मत लेना, आपका बेटा ही हूँ मैं। मुझे तो आपके दर्शन के लिए धन्य हूँ, मैं आपके दर्शन आया हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा वंदावन यहाँ पर आ गया है पूरा का पूरा, ऐसा लग रहा है। बहुत खुश हूँ कि ऐसा घर देखे और ऐसा सुख सभी को मिले, ऐसा घर सभी को मिले। न कहीं वो जंगल में पर्वत में गए, न कोई एकांत में गए, न कोई गुफा में गए, घर में रह करके ग्रस्त क्या है। ग्रस्त हमारी ये शरीर ही ग्रस्त है, ये शरीर जो है ना ये ग्रस्ती है। जब हम ग्रस्ती को छोड़ करके जाते हैं, जंगल में जाते हैं, गुफा में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, तो ये शरीर साथ में जाता है। सत्य है, तो ये ग्रस्ती तो वहाँ भी साथ में थी, वही तो सत्य वचन आपके। दादाजी हमको हर बात समझाते हैं, जैसे सत्संग के बारे में, हमारे शरीर का उद्धार हो, हमको भजन कैसा करना चाहिए, जब हम गुरु का सुमरण करेंगे ना, जब ही हमारा उद्धार होगा। रूपा जी, कोई पदवी नहीं पाना है, जब मैंने कहा आपसे कि मैं मेरी वाणी का आप वीडियो के द्वारा कोई प्रसार करना नहीं चाहता, क्योंकि प्रसार होगा संसार में तो संसार बड़ाई करेंगे, न संसार मान्यता देंगे, उपाधि देंगे, संत कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं तो संत महात्मा भी कहलाना नहीं चाहता। मैं तो नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा, जैसे कि लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं, और आज मैं किसी जंगल में नहीं आया हूं, कहीं आपको संतों की कुटिया में नहीं हूं, आज एक गृहस्थ के घर आया हूं, जहां गृहस्थ जीवन के साथ संत जीवन जिया जा रहा है, और उनसे हम सत्संग भी लेंगे, और क्योंकि इनकी सत्संग शायद तक आपको दूसरी सत्संगों से थोड़ी हटकर होगी और लंबी सत्संग होने की वजह से माफ़ी आऊँगा, लेकिन आपके जीवन में कारगर साबित होने वाली है। चालू रखना। प्रणाम माता जी। ये उनकी अर्धांगिनी है कह सकते हैं, उनकी धर्मपत्नी है, जिन संत के हम दर्शन कर रहे हैं, और ये पूरा सह परिवार है। एक बार आप इधर जाओ, और ये इनकी ये पोती है ना, और ये बहू है, पड़ोसी है, आप भी आ जाओ, आप आप भी आ जाओ। ये इनका पूरा हंसता खेलता हुआ पूरा सह परिवार है, और सह परिवार के साथ गृहस्थ के साथ वो संत जीवन जी रहे हैं, इन सभी का पालन पोषण भी कर रहे हैं, इनके कर्तव्यों का आह्वान भी कर रहे हैं, और इतने बड़े परिवार के साथ हम सोचते हैं कि दो परिवार के साथ नहीं जीवित हो सकते या दो परिवार के साथ संत नहीं बन सकते, लेकिन उनके लिए एक सीख रहेगी गृहस्थ के साथ संत जीवन कैसे जिया जा रहा है। आज की सत्संग में बड़ा ही होगा और सभी संतुष्ट हैं। आप भी इनके पुत्र? हाँ हाँ। नहीं, अच्छा, चौथे नंबर। बड़े कौन से? बड़े बड़े। आप सबसे छोटे कौन से? बाहर गए, खेत में गए। अच्छा, ये बेटी को, ये पोती है सारी? हाँ, वो बहू है, वो बहू है, ये पोतियाँ हैं, ये पोतियाँ हैं। जैसे कि दादाजी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? दादाजी हमको हर बात समझाते हैं, जैसे सत्संग के बारे में, हमारे शरीर का उद्धार हो, हमको भजन कैसा करना चाहिए, जब हम गुरु का सुमरण करेंगे ना, जब ही हमारा उद्धार होगा, और यही बात हमको बताते हैं वो। ऐसा, और जैसे कि माता जी से बात करते हैं, माता जी आप इनके सानिध्य में रहते हैं, साथ में रहते हैं, कैसा लग रहा है आपको अपने जीवन का लक्ष्य? अच्छा लगता है। बात करते हैं आपसे, सत्संग करते हैं कभी? हाँ। सुनते हैं माता जी? कम सुनते हैं? हाँ, हाँ, सुनते हैं कम, बोल भी तो थोड़े भाव भी बोल रहे हैं। क्यों माता जी भावुक हो गया? अरे कोई नहीं, अरे मैं तो आपका बेटा ही हूँ, समझ लेना, छोटा बेटा ही हूँ, आपका बेटा जैसा ही हूँ मैं, तो कोई टेंशन मत लेना, आपका बेटा ही हूँ मैं। मुझे तो आपके दर्शन के लिए धन्य हूँ, मैं आपके दर्शन आया हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा वंदावन यहाँ पर आ गया है पूरा का पूरा, ऐसा लग रहा है। बहुत खुश हूँ कि ऐसा घर देखे और ऐसा सुख सभी को मिले, ऐसा घर सभी को मिले। माता जी थोड़े भावुक हो गए, क्या हुआ माता जी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो बताओ सही है, बेटा समझ के बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या भाई, कभी कभी होता है ना, तो क्या हुआ माता जी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई बताओ सही, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। बोल नहीं सकते, खुशी के आंसू, मतलब खुशी। माता जी इतने भावुक हो गए, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आंसू जैसे आप देख पा रहे हो बयान कर रहे हैं, खुशी क्यों हो चाहिए, हृदय प्रलिभूत होता है कभी कभी, तो धन्य होते हैं कि ऐसे गृहस्थ में रहते हुए भी इनका जीवन
और मैं इनके शब्दों को तो कैसे वर्णन कर सकता हूँ, क्योंकि गूंगा क्या बताए, गुड़ का स्वाद वो मेरे में हो गई, इनके भाव कैसे बताऊँ वो मेरे पास जुबान नहीं रही, लेकिन बहुत मैं खुश नसीब हूँ और आज की सत्संग आपके जीवन में बड़ी लाभदायक रहेगी और बड़ी औषधि के रूप में, कड़क भले ही आ जाए कोई शब्द लेकिन असलियत में गृहस्थ के लिए बड़ी रामबाण काम करने वाली है जी। मुझे माफ़ करना कोई गलती हो गई तो। साथियों जैसे कि कुछ गांववासी भी यहाँ आए हैं, जैसे कि ये गांवों में एक होता भी है और गांववासियों से थोड़ा जानना चाहता हूँ इनके बारे में, गुरुजी जिनके हम सत्संग आज ले रहे हैं उनके बारे में इनसे भी जानना चाहूँगा, चीज़ दिखाना चाहता हूँ मेरे को इस यहाँ पर अंदर एंट्री होते ही घर में एक ऊपर अजीब सी चीज़ लगी, लेकिन मैंने इनसे पूछा तब मुझे पता चला कि ये बीज है। जैसे आप देख पा रहे हो उनके झूमर दिखाई दे रहे हैं, राजा महाराजों के महाराज जी से पूछा कि रोज लोगों के कांच के सोने के होते हैं, हमारे यहाँ फसल के हैं। और मैंने अजम पहली बार मैंने देखा है, और हालांकि और भी होते होंगे मैंने देखे नहीं इसके। वो आपके ये या सभी गांव में ऐसे ही लगाते हैं? पूरे गांव में ऐसे ही लगाते हैं? यहाँ मतलब प्याज की खेती है? प्याज। अच्छा, ये सूखेंगे नहीं? नहीं, 12 महीने तक। महाराज जी आप बताइए महाराज जी के बारे में थोड़ा सा। जी मैं यहीं का निवासी हूँ, ग्राम शिव, हाँ ग्राम शिवना का निवासी हूँ। मेरा नाम तुलसीराम मालाकार है और इनकी महिमा का मैं बखान तो नहीं कर सकता अपने मुखारबिंद से। बाकी हमारे यहाँ हर सोमवार डेली सत्संग चलता है और कम से कम 20-25 महिला और पुरुष मिल के आते हैं और बहुत अच्छा यही आध्यात्मिक विषय का अपने को ज्ञान देते हैं कि ग्रस्त जीवन कैसा जीना, गृहस्थी में कैसा रहना, यही वो हमको समझाते हैं। अच्छा, मतलब आप इनकी सत्संग आपके जीवन में कई परिवर्तन लेके आई है? हाँ, डेली हम तो सुनते हैं इनकी सत्संग और इनकी सत्संग लेने से बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। अच्छा, जैसे कि और भी गांववासी कोई भाई अगर बोलना चाहे तो भाई साहब, जैसे कि आप, आपको किस प्रकार लगे महाराज जी? किस, ये हमारे पिताश्री हैं। अच्छा, आपके पिताजी हैं। तो आपका तो सौभाग्य हुआ इनके पिताजी है। तो जैसे कि आपके पिताजी के, आपको देख रहे हो कि गृहस्थ जीवन के साथ साथ ऐसे संत भाव से रहते हैं, तो किस प्रकार कैसे ये बैलेंस कर पाता है कि गृहस्थ जीवन भी आपका पालन पोषण कर रहे हैं और संतों का जीवन भी जी रहे हैं? उनकी तो बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, अपने परिवार को बड़ा संतुलित रखते हैं और सब अच्छे। कितने भाई बहन हैं आप? हम 7 भाई बहन हैं। 7 भाई बहन? हाँ, 5 भाई और 2 बहनें हैं। और सभी साथ में रहते हैं। साथियों इन महाराज जी के मैं आपको गुरु जी के दर्शन करा रहा हूँ, हरिदास बाबा जी के, जैसे आप देख पा रहे हैं दर्शन करवा रहा हूँ। हालांकि वो ब्रह्मलीन, हमारा सौभाग्य है कि इनके साक्षात इनके शिष्य के दर्शन करेंगे हम जो अभी हैं, और इनके चमत्कारी घटनाएं हम गांववासियों भी सुनी, और मैं आपको कोशिश करूंगा आज की सत्संग में भी इनकी चर्चाएं करेंगे। और कहा भी जाता है कि संत के दर्शन बिना हरि कृपा के होंगे नहीं, और जब भी संतों के दर्शन हो ये ध्यान रखना समर्पण भाव से ही दर्शन करें, या बच्चा बन के भाव से अगर दर्शन करेंगे तभी वह फल मिलेंगे। अगर आप समझोगे मैं कलेक्टर, मैं ML हूं और मैं संतों के दर्शन के आगे सीधा खड़ा रहूंगा, तो आपको वो फल नहीं मिलेगा। लेकिन इनसे जैसे मैंने गृहस्थ के बारे में, आप सभी कहते थे गृहस्थ में कैसे भगवान को प्राप्त की जाती है, गृहस्थ में कैसे संत जीवन जिया जाता है, या गृहस्थ में किस प्रकार सत्य का मार्ग चुन सकते हैं, या गृहस्थ में किस प्रकार हम सांसारिक मोह से दूर रह सकते हैं, वो सारे सवालों की कोशिश करूँगा आप सभी के लेने की। पहले उनसे मैं प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात धन्यवाद करना, इसमें बहुत से कोई गलती हो जाए माफ़ कर देना। गुरुजी जैसे कि बहुत सारे मैं देखता हूँ कि संत महात्माओं को मैंने देखा है, हिमालय गया तो योग करते हुए दिखाई दिए, चित्रकूट गया तो अपने जप और तप और कंड तापते मुझे दिखाई दे रहे हैं, गिरनार गया तो अपने हठ योग करे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक हाथ खड़े करके कठिन तपस्या कर रहे हैं, और बहुत सारे संतों ने घर त्यागा है, बहुत सारों ने जटा धारण की है, और हम जैसे तुच्छ प्राणी गृहस्थ में रहते हुए इतनी कठिन तपस्या कर नहीं सकते, और तो फिर हमें कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? अगर भगवान की प्राप्ति का अगर ये रूप है इतनी घोर तपस्या, वो तो हमारे कोसों दूर रह गई गुरुजी। देखिए हमारे महान पुरुषों का, हमारे सद्गुरुओं का ये हमारे लिए मार्गदर्शन है, और हमारे महान पुरुष, महान संत जो गुरु लोग हुए हैं जिन्होंने गृहस्थी में जी रह करके, गृहस्थी जीवन में रह करके अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। न कहीं वो जंगल में पर्वत में गए, न कोई एकांत में गए, न कोई गुफा में गए, घर में रह करके ग्रस्त किया है। ग्रस्त हमारी ये शरीर ही ग्रस्त है, ये शरीर जो है ना ये ग्रस्ती है,
जब हम गृहस्थी को छोड़ करके जाते हैं, जंगल में जाते हैं, गुफा में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, तो ये शरीर साथ में जाता है। सत्य है। तो ये गृहस्थी तो वहाँ भी साथ में थी। वही तो बात, सत्य वचन आपकी। ये गृहस्थी, ये शरीर ही गृहस्थी है, तो इसका त्याग कर सकते हैं क्या? इसका त्याग करने के बाद में हमको हमारे, हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, परम तत्व, परम परमात्मा को प्राप्त करना। वो ब्रह्म परमात्मा हमको ये शरीर को, ये शरीर रूपी गृहस्थी को त्याग करके प्राप्त हो सकता है क्या? शरीर में रह करके ही, ये गृहस्थी में रह करके जिसने अपने, और परमात्मा क्या है? परमात्मा आपसे, हमसे, किसी से भी दूर नहीं है, परमात्मा हमारे आप में है। उसको हम जंगल में, हमारे संतों ने एक भजन कहा है, पानी में मीन रहे प्यासी, मोह सुन सुन आवे हाँसी। मछली का जीवन क्या है? पानी, जल में, पानी में। अब वो पानी में रह करके भी प्यासी रहती है, ये हाँसी की बात है ना? ऐसा ही हमारा जीवन क्या है? परमात्मा है। हमारा जीवन, सबका जीवन परमात्मा है। परमात्मा हमारे से एक क्षण भी दूर नहीं है, और परमात्मा जब हमारे जीवन से दूर हो जाता है, उस समय हमारे ये शरीर शव बन जाता है। वो परमात्मा ही हमारा जीवन है। फिर भी हम उस परमात्मा के बिना भटक रहे हैं, तीर्थ में, व्रत में, काशी में, मथुरा में बिना। हमारे संत कहते, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मृग की नाभि में बसे कस्तूरी, वो बन बन फिरे उदासी। आत्मज्ञान के बिना हमारा जीवन जो है भटक रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है। अरे वृंदावन यही है, बिंद का ही ये बन है। शरीर क्या है? एक बिंद का ही ये बन है। सत्य वचन, ये वृंदावन है। हमको वृंदावन जाने की, काशी जाने की, मथुरा जाने की, द्वारका जाने की, बद्रीनाथ जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमको जैसे कहा है कि आत्मज्ञान बिना नर भर के हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेना, आत्मस्वरूप हो जाना, आत्मस्वरूप हो जाना हमको। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान है जब तक भी दो है, एक ज्ञाता है और ज्ञान है। गुरु जी, जैसे थे आपने आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त कैसे होगा हमें अबोधों को? अब हमारे ये शरीर है, ये पांच तत्व तीन गुण का शरीर है। अब ये शरीर में आत्मा तो है, पर आत्मा का एक चिन्ह क्या है जिसके द्वारा आत्मा को जाना जाए? इसमें आत्मा का एक कोई प्रमाण है? आत्मा क्या है इसमें? ये शरीर तो दिख रहा है, साकार सिरगुण है, लेकिन इसमें आत्मा निर्गुण है, निर्गुण निराकार, निराकार है, लेकिन उसका कोई प्रमाण भी है कि है आत्मा। अभी उदाहरण के लिए, अभी हम ये बैठे हैं जी, ये शरीर में आत्मा है जी। शरीर का देखना, सुनना, उठना, बैठना, चलना, खाना पीना, लेना, सारी क्रियाएं हो रही है जी, है जी। हमारे कोई बुजुर्ग का एक का अंतिम समय आ गया कि बस अभी घंटे दो घंटे का है, जब हम उसको चुला देते हैं और सब देखते रहते हैं इधर उधर से, तो कहते हैं कि नहीं अभी है, अभी इसमें आत्मा है। और है करते करते इसमें से आत्मा जब निकल जाती है तो आँख भी रहती है, कान, पूरा शरीर रहता है, लेकिन एक शक्ति ऐसी है कि वो निकल जाने पर उसकी आँख देखती नहीं, कान सुनता नहीं, मुंह बोलता नहीं, हाथ पाँव नहीं चलती। वो शक्ति कौन है? आत्मा, आत्मा है। लेकिन वो शक्ति का कोई एक प्रमाण है, जैसा आपने कहा कि इसमें आत्मा कैसी एक निर्गुण है, और वो आत्मा का एक प्रमाण यह है, ये जो हमारी श्वासा चल रही है, शरीर के अंदर श्वासा का जो संचार हो रहा है, वही एक आत्मा का प्रमाण है। महाराज जी, जैसे कि आत्म जानने की आप बात कही, लेकिन एक बात होता है कि हमारा मन, जैसे मन से हम हर कार्य करते हैं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मन बड़ा चंचल, पहला उससे सबको पता मन चंचल है, और मन से बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। मन से हम यहाँ बैठे हैं और कुछ कार्य भी कर लेते हैं। मन से मैं गलत भी कार्य कर रहा हूँ, सही भी कर रहा हूँ। कोई मेरे सामने जा रही है तो गलत कार्य हो गया, कोई मुझे दिखाई दे रहा है अच्छे तो अच्छे कार्य होते हैं। मन को कैसे बस में किया जा सकता है? हाँ, या मन पे निरंतर कैसे पाया जा सकता है? मन जो है, हमको सबसे पहले तो मन की उत्पत्ति को समझना है कि मन की उत्पत्ति, मन का जीवन कहाँ,
मन की उत्पत्ति कहाँ से, मन का जीवन का उत्थान कहाँ से है। हमारे संत सिंगा जी बाबा ने कहा है कि मन का जीवन है पवन, तो चेत रिहरियन क्यों फिरता है वन, जग भर में न पायो तन, ये तन के नहीं वतन, झूठो माया धन, जेका पर प्रधान बनो मन, और मन का जीवन है पवन। मन का जीवन कहाँ से होता है, जन्म कहाँ से होता है, पवन से होता है। पवन क्या है, हमारी श्वासा है, श्वासा का और मन का सम्मेल है, श्वासा में ही मन है और मन ही श्वासा में है। अब मन को वश में करना है, हमको मन को अपने वश में करना है तो हमको श्वासा को अपने अधीन करना पड़ेगा। श्वासा हमारी जिस समय अधीन हो जाएगी, श्वासा सूक्ष्म हो जाएगी। हमारे संत कहते हैं कि 12 आवे 16 जाए, 12 16 उलट समाए। हमारी श्वासा का हमारे संतों ने वेग बताया है। संसारी जीव की श्वासा हमारी नासिका के अग्रभाग से 16 अंगुल बाहर जाती है, 12 अंगुल भीतर जाती है, लेकिन हमारे संत महात्माओं ने उसका भजन करके, सुमरण करके, अब वो सुमरण श्वासा पे नियंत्रण कैसा किया जाएगा, सुमरण से किया जाएगा। वो 16 अंगुल वाली श्वासा सुमरण भजन करते करते, अभ्यास करते करते, निरुद्ध होते होते, नियंत्रण होते होते 2 अंगुल पे आ जाती है, 12 जो बाहर जाती है और 16 बाहर जाते हैं भीतर, वो हमारी नासिका के अग्रभाग पे 2 अंगुल पे, जिसका यहाँ अनुभव नहीं होता कि मेरी श्वासा चल रही है या नहीं चल रही है, उस समय हमारा मन स्तब्ध हो जाता है। ये मन को वश करने का सिर्फ यही साधन है, इसके अलावा मन को वश करने का, मन को नियंत्रण करने का, समाधान करने का कोई साधन नहीं है। और हमको ऐसा गुरु मिल जाए कि जो हमारे श्वासा में सुमरण की क्रिया समझा दे। महाराज जी, जैसे कि संसार में जो भी पदवी है वो एक, अब कह सकते हैं माया से भी है और साथ साथ हमें ये कह सकते हैं सांसारिक भी है, कोई भी पदवी है, चाहे हमें संत एक पदवी है, संत भी एक पदवी है, ऋषि भी एक पदवी है, तो ये भी एक पदवी है, फिर पदवी कोई भी हमारे नाशवान के कारण ही है। देखिए, जितने भी पदवी हैं, संत की पदवी है, महान पुरुष की पदवी है, गृहस्थी की पदवी है, सारी उपाधि हैं। हाँ, ये सारी उपाधि है, संत बनना भी उपाधि है। संत बनना भी उपाधि है बाबा। हमारे संत सिंगा जी को परमात्मा ने, अरे दिया, बोले सिंगा मांग मांग, तू जो मांगे तू तेरे लिए देने के लिए तैयार हूँ। हमारे संत सिंगा जी ने कहा कि प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। संत कहा हूँ ने देह धरू ने, संत कहा हूँ मैं, देह धरू ने संत कहा हूँ, बहुरी बहुरी गर्भवार मैं संसार के अंदर संत कहलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि संत कहलाना भी बहुत बड़ी उपाधि है। जीव कहलाना, महात्मा कहलाना, भक्त कहलाना, ये सारी उपाधि है, लेकिन निरुपाधि कौन है? हमको निरुपाधि है, कोई पदवी नहीं पाना है। संत जब मैंने कहा आपसे कि मैं मेरी वाणी का आप वीडियो के द्वारा कोई प्रसार करना नहीं चाहता, क्योंकि प्रसार होगा संसार में तो संसार बड़ाई करेंगे, न संसार मान्यता देंगे, उपाधि देंगे, संत कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं तो संत महात्मा भी कहलाना नहीं चाहता। मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, गृहस्थी जीवन है, अब देख लो ये सब गृहस्थी में जीवन रहना है हमारा तो। महाराज जी, जैसे कि हर किसी देखा हूँ कि माया से ग्रस्तित है, कोई भी गृहस्थ है, चाहे अभी देख रहा हूँ संत महात्मा है, चाहे ऋषि है, चाहे महंत बने हुए हैं, चाहे पदवी लेके बैठे हैं, सभी माया से ग्रस्त है, असली स्थिति में माया को कोई नहीं त्यागा। तो आप बताइए, हमारे जैसे तुच्छ प्राणी अगर इस मार्ग में आना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में, तो माया से छुटकारा, माया को कैसे मुक्ति करें, माया से कैसे दूर रहें? जैसे मतलब ऐसा लगता है कि माया ने मुझे पकड़ के रखा है, या ऐसा लगता है या मैंने माया को पकड़ कर, इस जंजाल से मुक्ति चाहते हैं। इसीलिए हमारे संत तुलसीदास जी ने कहा है, माया जो है, माया प्रबल है कि हम प्रबल हैं? हम कहते हैं क्या करें भाई, मेरा मन ही नहीं मानता। हम कहते हैं ना, हाँ, मेरा मन ही नहीं मानता। तो क्यों भैया, तू मेरा मन कहने वाला, एक तो मन है, तू मेरा कहने वाला, दो है ना, दो है ना, तो इसमें बड़ा कौन है? मन बड़ा है कि मैं कहता हूँ कि मेरा मन नहीं मानता, मैं बड़ा हूँ कि मन बड़ा है? मैं हो गया वहाँ तो बड़ा, तो है वहाँ तो मैं बड़ा हूँ। मन एक मंत्री है हमारा। हाँ, मन जो है ना हमारा मंत्री है, और आप राजा राजा है। फिर
अगर हम राजा होकर के कहें कि मेरा मन नहीं मानता तो हम कायर हो गए फिर। हमारी कायरता है न कि मन की बुराई है, बुराई जो हम बुराई हमारी है लेकिन हम दोष देते हैं मन को कि मन नहीं मानता। अरे नहीं, मन तो मानने को तैयार है लेकिन हम उसको मनाते ही नहीं। हम खुद चाहते हैं, हमको एक व्यसन है मान लो बीड़ी पीने का, तो आदत बन गई है तो समय पे बीड़ी पीने की याद आती है ना। अब कह दो कि वो बीड़ी आ करके हमारे मुंह में आ जाए, आ सकती क्या? नहीं। हम खुद इसको प्रेरित करेंगे, हाथ को प्रेरित करेंगे, मन को प्रेरित करेंगे कि जाओ लेके आओ, तब वो आएगी और पेगी। लेकिन वो नहीं तो फिर उसने हमको बांधा कि हम उसमें बंधे, हम बंधे। तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुकराशी, सो मायावश भयो गोसाई, बंधियो कीट मरकट की नाही। ये जीव स्वयं कायर हुआ है, स्वयं निर्बल हुआ है और माया के वशीभूत में, माया ने इसको नहीं बांधा। माया में वो शक्ति नहीं है कि जीव को चेतन को बांध दे, और ये चेतन जो है नहीं अचेत हुआ, बेहोश हुआ, माया के वश हुआ, माया का गुलाम बने। कहते हैं बंधु कीट, कीट नाम तोते को कहते हैं, मरकट नाम बंदर को कहते हैं। है अब बहेलिया बंदर पकड़ने वाला तोते को पकड़ने वाला एक दाने डाल देते हैं और बैठ जाते हैं आड़ में, और तोता दाने देखता है तो वहाँ जाल फैला देते हैं, आके वो जाल में फंस जाता है। ऐसा ही हमारा मन जो है, हमारा जीव, हम जीव बने। हमारे सिंगाजी बाबा ने कहा है कि एक ब्रह्म जीव कैसे कहाया, एक ब्रह्म जीव कैसे कहाया, कि बस्ती छोड़ जंगल में आए, पांच तत्व तीन गुण बनाए, मन तृष्णा से जीव कहाया। ये पांच तत्व तीन गुण शरीर में ब्रह्म आकर के इसके विषयों में, इसके धर्मों में, इसके जन्म मरण में, इसके सुख दुखों में, इसके पाप पुण्यों में वो स्वयं ब्रह्म उलझ गया। और उसने सबसे पहले उलझना तो ये मान ली, वो ब्रह्म ने देहाध्यास में फट गया, देह मैं हूँ। ब्रह्म ने क्या मान लिया, ब्रह्म ने क्या मान लिया कि देह मैं हूँ, देह में मैं भाव करके बस वो जीव बन गया, देह में मैं भाव करके जीव बन गया है। इसी प्रकार जीव बन गया और जीव शरीर के विषयों में, शरीर के धर्मों में वो जीव बन गया। नहीं तो ब्रह्म है, आप ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, लेकिन हम ये देह के धर्मों में, देह के गुणों में, देह के स्वभावों में बाधित हो गए। महाराज जी, जैसे कि एक मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आपके गुरु जी के बारे में मैंने सुना था, थोड़ा सा मैं आपके गुरु जी का वर्णन मैं आपसे मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। उन हालांकि दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी मुखारबिंद से उनके शब्दों के साथ मैं मानसिक यात्रा में उनके दर्शन करना चाहूँगा कि उनका वर्णन करेंगे स्वरूप का तो किस प्रकार का। गुरु जो है हमारे महान पुरुषों का कुछ ऐसा कहना है कि गुरु तो है, बिना गुरु के जीवन का उद्धार, भूले हुए अज्ञानी जीवन का उद्धार होता नहीं बिना गुरु के। अच्छा। गुरु और गुरु जी वो हो कि जो जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, वो ऐसा गुरु हो तो वो प्राप्त करा सकता है। जिसने खुद ने जो नहीं पाया वो क्या प्राप्त करा सकता है। सही बात है। जो खुद भूखा बैठा है तो गुरु ऐसा हो कि जो अपना निज स्वरूप, अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया हो, ऐसे ही गुरु के सानिध्य में जाएंगे। और उनके हमारे संत कहते हैं कि बहुत ही निहाल कियो गुरु जी, तुमने बहुत ही निहाल कियो, नाम की कंठी गला बीच ना की, महाराज शीर्ष पर पंजो दियो गुरु जी, बहुत ही निहाल कियो। कर्म कातिन गुरु कर दिया निर्मल, निर्गुरु हंस कियो। तो गुरु भी ऐसा हो कि स्वयं देहाध्यास से देहभाव से देहाभिमान से परे हो। अभी हमारा जीवन उलझा हुआ काय में है, देहभाव में, देहाभिमान में, यही अज्ञान है। अब देह में रह करके देह से अलग, हमारे संत ने एक ने लिखा है कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और पाप तो इसके बाल बच्चे हैं पर ये सब पापों का बाप है। अब ऐसा कोई है कि देह को मैं न माने है, तो देह को मैं, हमारे संत गुरु जो देहाध्यास से, देह भाव से, देह ज्ञान से परे हो गए हैं, वही हमारे को आत्मज्ञान करा सकते हैं, आत्मा के स्वरूप का। तो हमारे गुरु जो थे
एक साधारण व्यक्ति थे जो अभी फोटो बताया, हमारे यहीं के निवासी थे और उनकी छोटी सी किराना दुकान थी, किराना दुकान करते थे और भजन करते थे। उनके गुरु जो थे महान पुरुष थे, परमहंस थे उनके गुरु, हमारे गुरु के जो गुरु थे महान परमहंस थे, जिनकी आज महिमा हमारे क्षेत्र के अंदर गुरु परमहंस की महिमा क्षेत्र में सारा क्षेत्र उसको जय जयकार करता है, ऐसे परमहंस थे। और उन्हीं से उन्होंने गुरु को दीक्षा ली थी और वे भी हाथ में तराजू है, हाथ में तराजू तोड़ रहे हैं और ध्यान कहाँ है, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में रमन करते थे और हाथ से तराजू तोड़ते थे और देते थे, ऐसा उनका लक्ष्य था। और ग्रस्त जीवन था, पूरा ग्रस्त जीवन था और ग्रस्त जीवन में रह करके भजन करते थे, सुमरण करते थे। श्वासा में सुमरण कहते हैं कि कहते कहते जुग गया क्या बजाऊं ढोल, एक श्वासा में जाता है तीन लोग का मोल। हमारी एक श्वासा अगर खाली चली गई बिना सुमरण की तो समझ लेना कि तीन लोग की संपदा हमने नष्ट कर दी, और एक श्वास में अगर सुमरण कर लिया तो तीन लोग की संपदा प्राप्त होगी। हमारे जीवन का मोल क्या है, हमारे सबके जीवन का मोल क्या है, श्वासा ही है ना। जब तक श्वासा है तब तक जीवन का मोल, श्वासा नहीं तो वही शरीर वही जीवन सौ बन गया। फिर कहेंगे हमारे संत एक भजन में कहते हैं कि जब यम फाट गले में ताले कुल्लू कुटुम कबीला कोई न छुड़ावे, तुरंत ही घर से बाहर निकाले न करके नगन ये तन को जाले, कहे कहे भाई आप चलो जल्दी निकाल ले चलो, उसकी कोई कीमत नहीं, तो श्वासा ही कीमत है। और जो श्वासा में सुमरण करेगा, हमारे गुरु महाराज रातों दिन श्वासा में रमन करते सुमरण करते थे और महान सिद्धि को प्राप्त थे। सिद्धि सिद्धि क्या कहते हैं, ये लोक सिद्धि नहीं, ये लोक सिद्धि जो है लोगों को रिझाने की, अच्छा कर दिया उसका भला कर दिया तो उसका बुरा कर दिया, तो ऐसा नाना प्रकार की सिद्धियाँ जो है ना, ये सिद्धियाँ नहीं, ये सिद्धियाँ तो दुख देने वाली है। हमारे जीवन में सिद्धि कौन सी होना, हमारे स्वरूप की सिद्धि होना, हमारे स्वरूप की प्राप्ति, हमारे स्वरूप को जानना। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया फिर वो स्वरूप अनुभवी को सारा संसार, हमारे सिंगाजी बाबा कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की ये सब सृष्टि रहती है, वही का है सकल पसारा, सिंगाजी ने भर नजरों देखा वही गुरु हमारा है। अब देखो वो कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है निराकार है वो कोई दृश्य का विषय नहीं है, लेकिन हमारे संत सिंगाजी ने ये सिरगुण को निर्गुण रूप में मान करके निर्गुण ही समझ लिया, सब निर्गुण तो है। अब जिसके निर्गुण ब्रह्म का अनुभव जिसको हो गया, अभी हमारे ये जो बाबा हैं और कोई भी है जो महान आत्मा जो संत हैं जो अभी आपको आपको लाए हमारे पास जी हैं, हम उस लायक नहीं है, लेकिन आपकी जो दृष्टि है आपका जो भाव है संत भाव है, और संत जो होगा वो सबको संत रूप में देखेगा, उसको असंत कोई नहीं देखेगा। जो संत हो गया जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा वो सबको संत रूप में देखेगा और वही उसकी सिद्धि है, वही सम्मान वही सिद्धि है, जिसको सारा संसार ईश्वर रूप ब्रह्म रूप सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम। तुलसीदास जी को वही अनुभव हुआ, तुलसीदास जी ने सारे संसार को सीता और राम के रूप में देखा, ये सिद्धि है। और ये सिद्धि नहीं है तो हजारों लोग प्रसिद्धि की सिद्धि है भले ही हो, लेकिन वो सब जीव को भटकाने वाली है, भ्रम है, वो जीव के लिए अपनी मंजिल और अपने आनंद की प्राप्ति कराने वाली, अपने आनंद की प्राप्ति तो अपने निज स्वरूप से ही सदा तुम आनंदामूर्ति सत्य धर्म प्रमाण ये अनुभव की आती। आप सब आनंद स्वरूप हैं और जब तक अपने निज स्वरूप का हमको अनुभव नहीं होगा तब तक हमको वो अखंड आनंद। महाराज जैसे कि आपने अभी कहा पाप, पाप तो सही है पर क्या हमें पुण्य भी बांधने का कार्य करता है? जितना दुखदायी पाप नहीं उससे कहीं गुना ज़्यादा दुखदायी पाप पुण्य है। कैसे? जितना दुखदायी पाप नहीं है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा दुखदायी पुण्य है, इसलिए हमारे संत ने कहा है कि हमको हम सबको चाहते हैं पुण्य और पाप से बचना चाहते हैं, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम सदा पुण्य पुण्य करें हमारे से पाप नहीं हो, हम पुण्य करने जाएंगे तो पाप पहले होगा और पाप पुण्य से बचेंगे भी नहीं,
पाप पुण्य से बच भी नहीं सकती, लेकिन पाप पुण्य किसका धर्म है इसको समझना है। पाप पुण्य जो है ना, आत्मज्ञानी जो हो गया, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, जिसने सर्वत्र परमात्मा स्वरूप देख लिया, उसके द्वारा कभी पाप होगा नहीं। और पाप होगा तो शरीर के धर्म है, ये आत्मा के धर्म वहाँ नहीं पहुँचते। पाप पुण्य में आत्मा कभी नहीं पहुँचती, आत्मज्ञान जिसको हो गया। पुण्य के फल की इच्छा नहीं है, पाप के फल की इच्छा नहीं, इच्छा ही बंधन है। इच्छा जो है ना वही बंधन है, और अनिच्छा से जो भी होगा। तो इच्छा मनुष्य की तो रहती है, एक पूरी हो तो दूसरी इच्छा पहले खड़ी रहती है आगे दरबार बना के। बस वही तो, इच्छा को तो विराम देना है। पूरा विस्तार से समझाइए कि पूरा समझ नहीं है, पुण्य हमें कैसे बांध सकता है भाई? पुण्य यही है, पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग हमने पुण्य किया और पुण्य के फल की इच्छा की, तो पुण्य कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा। हाँ। तो स्वर्ग में ले जाएगा तो स्वर्ग का सुख। अब मान लो एक मटके में हमने पानी भर दिया है, जी गुरु जी, मटके में पानी भर दिया है, अब उस मटके के पानी को बैठे बैठे सिर्फ खाते रहेंगे पीते रहेंगे तो पूरेगा क्या? वो नहीं पूरेगा, खत्म होगा, खत्म होगा। तो वो पुण्य क्या है? एक सीमित कितना पुण्य करेंगे हम, हमारे जीवन में पुण्य कितना करेंगे उसकी सीमा है, पुण्य करने की कोई गिनती है। अब वो पुण्य हमने कर लिया और उसके पुण्य के फल से हम स्वर्ग को चले गए, तो वहाँ तो कमाना तो है नहीं, स्वर्ग में कमाई नहीं है, वहाँ बैठे खाना है। तो बैठे खाते खाते वो पुण्य कब तक पूरेगा? हैं, जब तक वो पुण्य है तब तक स्वर्ग सुख भोग लेंगे, और पुण्य खत्म हुआ तो फिर वहाँ से हकाल जाएगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए पुण्य का पुण्य भी जो है ना, और स्वर्ग में क्या है? भोग है। स्वर्ग में सुख जो है क्या? भोगों का सुख है, है? लेकिन योग तो है नहीं वहाँ, स्वर्ग में योग तो है नहीं, भोग है, वहाँ सब भोगी लोग हैं। और आज हमारा मृत लोग ये है कि हमारे संतों ने कहा है कि भूतल भक्ति पदारत मोटो ब्रह्म लोक व नाही, पुण्य करीन अमरा पुरवान अंत चौरासी माही। भूतल, ये भूतल जो मृत लोग है, एक ऐसा लोग है कि यहाँ जीव इंसान भजन करके सुमरण करके सत्संग करके ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन के लिए अजर अमर तत्व प्राप्त करने का अधिकार है। वो वहाँ स्वर्ग भी जन्म मरण का चक्कर है, नरक भी जन्म मरण का चक्कर है, लेकिन हमारे संतों की जो भक्ति जो है, ज्ञान है, अनुभव है, ये अजर अमर लोग हैं। ये अगर प्राप्त हो गया तो उसका जन्म और मरण नहीं होगा, वो अजर अमर है। कोई अगर इस सत्संग में मेरे से कोई गलती हुई है, तुझ प्राणी समझ गया, बहुत समझ गया, पहले तो माफ़ कर देना। नहीं, साथियों की महाराज जी जैसे सत्संग ली और साथ ही साथ मैंने महाराज जी के गृहस्थ के जीवन के बारे में साथ साथ लेने की कोशिश की, इनके गुरु जी के चरित्र के बारे में ली, इन्होंने बताया जैसे कि, और मैं कहता हूँ रियल में इनकी सत्संग से माध्यम से आपको ये प्राप्त हुआ, अंकित बाबा की सत्संग ये प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान को पाने के लिए या वैराग्य को धारण करने के लिए आपको घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी। बहुत सारे कहते हैं घर त्यागना पड़ेगा, लेकिन घर किसे त्यागना है? घर हम त्याग ही नहीं सकते। इनकी पहला सवाल पहले सत्संग में आया, गृहस्थ हमारा स्वयं का शरीर ही गृहस्थ है। बड़ी अच्छी सत्संग थी, आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान धाम की, जय हो सिंगा जी महाराज।